हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंकीज़ क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, ये पौधे जो मैंने नर्सरी से परचेज़ किए थे, मैंने इनको गमले में शिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने इनको लगाया है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें कोचिया का पौधा और हम इसको इसके ग्रो बैग में से इसको बाहर निकाल लेंगे और हम इसको आराम से निकालेंगे ताकि इसकी जड़ें ख़राब ना हो। ये मैं निकाल लिया है और इसको मैंने डब्बे में मिट्टी पहले से फिल करके रखी हुई है और मिट्टी बनाने का तरीका वही है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। इसको ज़्यादा चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना है, बस ऐसे ही लगाना है जैसे हर पौधा मैंने लगाती हूँ, देख लेना मेरा पुराना वीडियो। और मैंने इसको लगा दिया है इसमें। हम इसमें ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, इसको कवर कर देंगे मिट्टी से और फिर हम इसमें डालेंगे ये पानी। मोगरे का प्लांट है, इसके बाद आते हैं हम इसको अब गमले में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम मोगरा लगाएंगे जिससे कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसको गमले में लगाते हैं, किस तरह लगाएंगे देखते हैं। मैंने ये गमला लिया है और इसके ड्रेनेज होल है इसमें काफ़ी अच्छे है, जिसमें कि मैंने पत्थर जो कि मैंने थोड़े ये क्रश भी करके रखे हैं, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से, जिससे कि ड्रेनेज होल बंद ना हो और नीचे से एरेशन अच्छा रहे, पौधे को हवा मिलती रहे। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी भर लेते हैं हम फ्रेंड्स। इसमें से निकल गया है, देखिए कितनी आसानी से निकला है और इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है। और हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसे कैसे ही अपने गमले में रख देंगे। तो ठीक है, इसको रखते हैं गमले में। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पौधा रख दिया है अपना और अब हम इसमें ये अपनी मिट्टी फिल कर देंगे जो हमने बना के रखी हुई है खाद के साथ। और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे और फर्स्ट टाइम वाटरिंग फ्रेंड अच्छे से हमें करनी होती है जाके ये, ताकि ये पौधा अच्छे से सेट हो जाए अपनी। तो फ्रेंड्स, लग गया हमारा पौधा, देखिए फ्रेंड्स हमारा मोगरे का पौधा भी लग गया है। अब हम इसके बाद मैं लगाऊंगी मधुकामनी का पौधा अपना, तो उसको भी लगाने की तैयारी कर लेते हैं। गमला ले लिया और फ्रेंड्स ये कामनी का पौधा, अब हम इसको लगा रहे हैं। तो इसको मैं ग्रो बैग में से निकाल लेती हूँ और ये बड़ी आसानी से ही निकल जाएगा। हम इसके ग्रो बैग को खोल लेंगे, इसकी सिलाई के यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और फिर ये बड़ी आसानी से इसमें से बाहर आ जाएगा। और हम इसकी जड़ों को नहीं छेड़ेंगे फ्रेंड, जो हम नया पौधा ग्रो अपने गमले में लगाते हैं उसकी जड़ों को नहीं छेड़ना होता है, नहीं तो वो पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जैसा हम पौधा नर्सरी से लेके आते हैं हमें उसी तरह से उसको लगाना चाहिए। और इसमें केचुआ भी है, देखिए कितना अच्छा पौधा है ये। केचुआ अंदर से मिट्टी को भुरभुरी बना के रखता है, जिसमें कि जड़ों को हवा भी लगती रहती है। और हमने इसको गमले में आसानी से इसको रख दिया है। अब हमारा पौधा ये लग के तैयार है। अब हम सारे पौधे हमने लगा दिए हैं, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी सारे पौधे लग के कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे तीनों पौधे तैयार हो चुके हैं, आप भी देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।